वालेकुम, आप सब व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं जंगल में। आज हम आपको बताएंगे कि लोग किस तरह अपनी ज़मीनों पर सब्जियां लगाते हैं और कितनी किस्म की सब्जियां लगाते हैं, और हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। रास्ता जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है। इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सब्जियां लगाई हुई हैं, और ये देख सकते हैं ये जो है ये करेले की वेल है। ये सारी इन्होंने कंप्लीट जो है ये करेले की वेल लगाई हुई है इसके अंदर, ये पूरे एरिए के अंदर। फिर उसके बाद ये जो है काफ़ी अच्छी वेल लग रही है। इन्होंने साथ जो है केमिकल जो है ना धागा टाइप बांधा हुआ है, तो ये जो है ना ये पूरे एरिए के अंदर करेले की वेल है। फिर उसके बाद जो है अब सेकंड पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जी। आगे हम चलते हैं, आपको ये कंप्लीट दिखाता हूँ मैं कितनी बड़ी वेल है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि इससे जो है ना ऊपर इसके ऊपर कपड़ा दे देते हैं, जिससे जो है ना रोशनी कम पड़ती है, तो रोशनी से इसको बचाया जाता है, जिससे ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन्होंने ये बहुत मेहनत की हुई, और ये जो है इन्होंने भिंडी लगाई हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा ये देख सकते हैं आप, इतने ज़्यादा इन्होंने ये लगाए हुए हैं पौधे। ये वो कंप्लीट ये जो है ना इसको एरिया को क्लियर किया हुआ है इन्होंने, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लगाए हैं। अब ये इनका लगाने का मकसद ये है कि क्योंकि इसको जो है ये सेल करते हैं मंडी के अंदर, और अगर मंडी में टाइम इनके पास ज़्यादा हो तो मंडी में सेल करते हैं, और अदरवाइज जो है ये गाँव में सेल कर देते हैं इस चीज़ों को। तो ये इनको 3 महीने हो गए ये काम करते हुए। तो है इन्होंने कद्दू की वेल लगाई हुई है, और पहली साइड पे इन्होंने करेले की वेल के 2 पोर्शन क्लियर किए हुए हैं, और दूसरी साइड पे इन्होंने भिंडी लगाई हुई है, और सेंटर वाला जो पोर्शन है इन्होंने कद्दू की वेल के साथ क्लियर किया हुआ है। पंजाबी ज़बान में जिस जगह पर इन्होंने कद्दू की वेल लगाई हुई है, इसको पंजाबी ज़बान में कहते हैं खाले दे नाल वेल लाई दिए। तो जो है रोज़ाना की बुनियाद पे ये पानी भी लगा रहे हैं, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही, जिसकी वजह से इनको रोज़ाना पानी लगाना पड़ता है करेले की। ये दूसरा इन्होंने ग्राउंड लगाया हुआ है वेल का, ये आप देख सकते हैं ये भी कितनी बड़ी है। जिधर तक मेरा कैमरा जाए उधर तक मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये फर्स्ट थी, ये सेकेंड था, ये सेकेंड ग्रो इन्होंने बनाया, बहुत बड़ा ग्रो। ज़बान में इसको पीटर कहते हैं। इन्होंने बहुत ही सेंसिटिव तरीके से जो है काम किया है। लोग प्लास्टिक के पाइप के साथ पानी लगाते हैं, इन्होंने खाले की शक्ल में जो है पानी लगा रहे हैं। ये पूरे पोर्शन को ये एक ही पीटर क्लियर कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने इसलिए बनाया है क्योंकि जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो ये इस जगह पर आराम करते हैं। जब 5 या 10 दिन रह जाएँ सब्ज़ी को पकने में, तो इसी जगह पर रात को भी आराम करते हैं, क्योंकि कोई तोड़ के सब्ज़ी ना लेके जाए। ये झोंपड़ा सारा लकड़ियों का बना है। कुछ बताने का मकसद ये था कि लोग किस तरह गांव में खेती बाड़ी करते हैं। जब ये सब्ज़ी पक जाती है इसको मंडी में सेल करते हैं, बाकी जो बच जाती है इसको गांव में ही सेल कर देते हैं। इससे जो है लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं अगर इस काम पर तवज्जो दी जाए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, और आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें।